कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर मध्य प्रदेश में लंबे समय से बंद विद्यालयों में आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। कौसौसर विकासखंड के दूरस्थ ग्राम रुझाड़ी पिपला के शासकीय हाई स्कूल में नव प्रवेशित छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर उन्हें प्रवेश देकर नवाचार का एक उदाहरण सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौसर और पांडुर्ना तहसील की सीमा पर स्थित दूरस्थ आदिवासी ग्रामीण अचल के ग्राम रझाड़ी पिपला के शासकीय हाई स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रिंसिपल श्रीमती ममता वंजारी ने सरपंच बाबूराव सोमकवर की उपस्थिति में नवप्रवेशित छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर उनका स्वागत कर एक नवाचार प्रस्तुत किया। प्रिंसिपल श्रीमती वंजारी मैडम ने संवाददाता को बताया कि 8वीं कक्षा से उत्तीर्ण होकर 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आज प्रथम दिन आए छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने और ग्रामीणों में इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए छात्रों को प्रेरित किया गया। आज शासकीय हाईस्कूल रझाड़ी पिपला में 8वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को कक्षा 9वीं में प्रवेश दिया गया, जिसमें उन्होंने सैनिटाइज की बोतल और मास्क सरपंच महोदय की उपस्थिति में वितरित की गई। और छात्र छात्राओं को यह भी बताया गया, कोरोना से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया उन्हें कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क को लगाकर रखना है और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाए, ऐसे विभिन्न निर्देश कोरोना संक्रमण के संबंध में उन्हें बताए गए।